तो भाई हमारी स्कूटी जो है ना, हमने बिल्कुल तैयार कर लिया। आप एक बार आके देख लो भाई। आप सब्जी देखो यार, रंगत देखो क्या बढ़िया, बगैर प्याज बगैर लहसुन के टमाटर भी नहीं होता। स्वागत है जी आप सबका छिंडोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम आए बालाजी कचौड़ी भंडार को कवर करने के लिए चांदनी चौक में। भाई आप हमारे बैक साइड में देख सकते हो, ये जगह है जिसको हम कवर करने के लिए आए हैं। और ये जो है ना 1992 से यहाँ पे जो है ना, ये कचौड़ी वगैरह, ब्रेड पकौड़े, जलेबी आप ऊपर देख सकते हो, काफी कुछ है। नागौरी हलवा है और रायता वगैरह सब कुछ है भाई। और मैं आपको मेन बताऊं तो ये 1975 से जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं। 1975 से यहाँ पे इनके अंदर, यहाँ पे गली में इनकी शॉप है, बिल्कुल सामने ही है। पहले चलते हैं भैया से बात करते हैं और चीजों के बारे में पता करते हैं, क्योंकि खुशबू बंगा यहाँ पे बहुत बढ़िया है भाई। दो साल बाद हम चांदनी चौक आए, आज खाया है यहाँ पर। पहले भी आते थे वैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले भी आते रहते थे, खाते रहते थे। अच्छा, लेकिन अच्छी चीज है इनकी। चोड़िया बहुत अच्छी है, पूड़िया बहुत अच्छी है, बेल पूड़ी बहुत अच्छी, जलेबी भी उनकी खाओ तो आनंद आता है, हलवा खाओ तो उससे भी ज्यादा आनंद आ रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या नाम क्या जी आपका? हरीश कुमार चारा। अच्छा, यही के रहने वाले, दिल्ली के? शालीमार। शालीमार से यहाँ आए हो? हाँ जी हाँ जी। तो भाई नितिन भाई के साथ मैं यहाँ पर हूँ। भैया 1975 से कर रहे, तो इसका मतलब आपके फादर ने स्टार्ट किया था? सर, फादर ने नहीं, ग्रेट ग्रैंड फादर ने स्टार्ट किया था। उन्होंने काम सिर्फ स्टार्ट किया था कचौड़ी का। अच्छा, कचौड़ी और दम आलू का। अच्छा अच्छा। फिर फादर के हाथ में जब आया, अंदर शॉप आई, वो 75 में आई। अच्छा, फिर यहाँ पे उन्होंने नया तो कुछ। इसका मतलब ये हुआ, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ, 1975 से भी, इसका मतलब उससे पहले से भी आप काम कर रहे हो? दादा कर रहे हैं 1930 से। अच्छा, लो कर लो बात। हाँ जी, कमाल है, मतलब पूरे 100 साल होने ही वाले हैं। और 7-8 सालों के अंदर अंदर जो है पूरे 100 साल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, उसके आगे क्या हुआ फिर? उसके आगे बस वही था, वो उन्होंने उनके हाथ में सौंपा जी। फिर उसके बाद उन्होंने फॉलो अप किया, उन्होंने ये सब चीजें रखना चालू किया नगौड़ी भेड़ में। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद अभी 8-10 साल से मैं थोड़ा सा इनटू इसमें आया हूँ। अच्छा जी, तो फादर के साथ अब आप करने लग गए हो। और बालाजी नाम कैसे पड़ा भैया? बालाजी भी है, स्टार्टिंग से ही है, बिना बिना लहसुन प्याज टमाटर कुछ यूज नहीं करते हम। अच्छा, आप सब्जी देखो यार, रंगत देखो क्या बढ़िया, बगैर प्याज बगैर लहसुन के टमाटर भी नहीं होता इसमें। अरे वाह। और ये मतलब फिर वो सिर्फ हम, सिर्फ हम मसालों के मसालों के साथ खेलते हैं। क्या बात है। और आप रंगत देखो यार, रोगन देखो ऊपर क्या बढ़िया आया हुआ है, बहुत बढ़िया लग रही है। और ये है जी साथ में सूजी का हलवा और नागौरी बड़ी है वहाँ पर जी। अंदर से भैया बनाकर लेकर आ रहे हैं, अंदर मैंने आपको बताया अंदर शॉप है, तो वहाँ से बन के जो है ना इस तरीके से ये नागौरी आ जाती है। और वो भेड़ भी पूड़ी है। हाँ जी, बस वही है जो मेन USP जो है हमारे, ये वो अंदर बैठी हुई है लेडी। हाँ जी, लेडी लग जो है हमारे फादर का। अच्छा जी, वही चल रहा है, उनके कमांड पे सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी मेकिंग उन्होंने करी है, माता जी ने आपकी? जी, उनको बनाना आता है, लेकिन अब तो लड़के रख रखे हैं। हाँ, बनाना आता उनको, ये बनाते वही थे पहले, और उन्हीं की निगरानी में बन रहा है वो। हाँ, तो मैं देखा है अंदर, तो मदर और फादर ही बनाते थे पहले, तो बाकी हम तो अब ठीक है, अब टाइम देने लग गए उनका, थोड़ा सा डंडा चलने लग गया तो नहीं, सही बात है, अच्छी बात है ना। अब उन्होंने अंदर कमांड पूरी संभाल ली, आपने बाहर संभाल ली है। तो ये 1992 से जो आप लगा रहे हो, वो ये फिक्स है ये वाली जगह, या आगे पीछे कुछ थोड़ा बहुत होता है? यहीं पर ही है। 4 घंटे के लिए बैठते हैं, मतलब 8 से 12-1 बजे तक वाइंड अप कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होता है ना अपना, स्लॉट जो होता जी, है जी। उसमें हम वाइंड अप करने का कोशिश पूरी यही रहती है। अच्छा, तो फिर उसके बाद बाकी टाइम अंदर अंदर गली में। तो मतलब अगर आप 11-12 बजे के बाद चांदनी चौक आ रहे हो, तो गली नंबर कौन सी, कोई गली नंबर? गली नंबर नहीं होता, गली लट्टू शाह नाम है। अच्छा, गली लट्टू शाह। जलेबी वाले से आप अंदर घुसेंगे जी, राइट में पहली गली है लट्टू शाह गली। जी जी जी। तो गली तो हमने आपको दिखाई दी है, फर्स्ट गली भैया बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से चौथी है पांचवी शॉप आपकी है, तीसरी शॉप आपकी है। तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। सुबह नाश्ते में आना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आ जाओ। आप अपने लिए भी लगवाते हैं, क्या क्या लगवाए पंकज? भेड़ भी पूड़ी लगवाते हैं, नागौरी लगवाते हैं, है ना? बहुत ही बढ़िया। और भैया ये जलेबी का भी बता दो यार। ये तो जलेबी जो है भैया, ये 20 रुपीज़ पर प्लेट है। अच्छा जी, ये एक पत्ता जो है ये 20 रुपए का है। बहुत बढ़िया यार, जिसमें ग्राम विराम का हिसाब हमने इस माने नहीं रख रखा कि बस चलती हुई है। अच्छा 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 भाई, इतने मतलब ज्यादा ही जाती है। हाँ जी हाँ जी, इतने सबके साथ में और जलेबी देख के तो मीठा खाने का मन वैसे ही कर रहा है। मैं कितनी देर से मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जलेबी उठा के खा लूँ,
आप लगवा रहे जी साथ में हम हमारी भेड़मी पूरी। भेड़मी पूरी ठीक है जी। ये भैया ये 40 रुपीज प्लेट है, इसमें दो पीस भेड़मी आएंगी जी और सब्जी आएगी। और सर्दियों के टाइम में जब गाजर का सीजन आता है जी, तो उस टाइम पे हम अपना पर्सनल खुद घर का बना हुआ गाजर और मिर्ची का अचार सब करते हैं। तो भाई हमारी स्कूटी जो है ना हमने बिल्कुल तैयार कर लिया, आप एक बार आके देख लो भाई। ये जो है ना आज हमारा होने वाला है नाश्ता, मैं आपको बता दूं भाई ये हमने ले लिया है जी कचौड़ी विद आलू की सब्जी, जिसके अंदर ना तो पंकज लहसुन है ना प्याज है ना टमाटर वगैरह, ना टमाटर है। और उसके बावजूद भाई आप रंगत देख लो क्या बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया। हल्का सा दही वगैरह डालते हैं और बढ़िया लग रहा है यार, और खुशबू आ रही कमाल की। और साथ में मिले हुए ये नागौरी हलवे के साथ में सब्जी, सब्जी देखो यार, मतलब मेन तो ना इनकी सब्जी की खुशबू जो है ना यहाँ पे बहुत कमाल की है। ऊपर हल्का सा धनिया वगैरह डाल दिया है, दही डाल देते हैं, सब्जी की रंगत देख लो यार बहुत। और ये मिला जी हमें नागौरी हलवा, नागौरी हलवा। और आप ये देखो यार ये ना इतनी खस्ता है, ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे गोलगप्पा होता है ना सूजी वाला, ये भी सूजी का ही तैयार हुआ हुआ है भाई। इसके दरदरापन देख रहे हो क्या अच्छा फर्स्ट क्लास आ रहा है भाई। और ये कॉम्बिनेशन है भाई, ये लो साथ में ये हलवा लो और इनके सब्जी डाल, सब्जी लगा के खाओ साथ में। है जी ये भेड़ भी पूड़ी आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हल्के हल्के से मसाले तो ऊपर से नज़र आ ही रहे हैं, आप ये अंदर देख लो हल्की फुल्की सी जो है ना पिट्ठी डली हुई है मसाले वाली। और साथ में ये भाई इनकी आलू की सब्जी जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और हमने ये थोड़ी सी 20 रुपए की जो है ना जलेबी भी ले ली है, अब टेस्ट करते हैं जी आ जाओ। तो भाई अब आ रही जी इसको टेस्ट करने की, और आप हमारी बैक साइड में देख सकते हो भाई पब्लिक बहुत है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। और कहाँ से स्टार्ट करें, भेड़मी पूड़ी। चलो जी भेड़मी पूड़ी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और खुशबू यार इतनी कमाल की आ रही है ना। अभी 2 हफ्ते पहले ऑलरेडी हमने ट्राई भी कर चुके हैं भाई यहाँ का आलू की सब्जी के साथ जी भेड़मी पूड़ी का टेस्ट करते हैं, देखते हैं। चल करें भाई साहब, अल्टीमेट टेस्ट है यार मैं आपको बता रहा हूँ। हल्का सा स्पाइसी है, हल्का सा क्या ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत मसालेदार है। जो खुशबू है ना और जो रंगत है भाई वो आपका दिल जीत लेगी। और फ्लेवर्स कमाल के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया यार भेड़मी पूड़ी खा के, मसालेदार है भाई। और प्राइस है जी इसका 40 रुपये, जिसके अंदर जो है ना आपको ये दो पूड़ी मिलेगी और साथ में मिलेगी सब्जी। सब्जी बहुत कमाल की है यार, सब्जी तो मुझे लग रहा है बार बार ना लोग हल्के हल्के जी तरी ले लेके सब्जी दमदार है। असल में सारी की सारी चीजों में सब्जी का ही गेम है। मजा आ गया, एक एक पूड़ी तो आप लोगों से बात करते करते में ना हमारी फिनिश होने वाली है। और भाई अब जो है ना ट्राई करते हैं जी ये आलू कचौड़ी, इसका क्या प्राइस था मैं पूछ कर आता हूँ जरा, एक मिनट रुकियो। दो पीस कचौड़ी जी आपको 40 रुपये में मिलेंगे विद आलू की सब्जी, और डोना भर के बन गई है, डोना भर कर है भाई। ऊपर से जो है ना आप एक्स्ट्रा तरी वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो बड़े आराम से ले सकते हो जी। अब जो है ना इसको टेस्ट करते हैं जरा एक बार, और जो धनिया वगैरह डाल रखा है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया, उसकी वजह से मुझे लगता है ये थोड़ा सा और स्वाद हो गया है। कचौड़ी एकदम क्रिस्प है, मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी है भाई। यहाँ जो है ना टेस्ट बिल्कुल अलग है, हालांकि आलू की सब्जी बनकर सेम ही है, सब्जी सेम है, मगर उसके अंदर पिट्ठी और वो जो कचौड़ी की जो क्रिस्पनेस आ गई है वो बड़ी कमाल की लग रही है, वो बहुत कमाल की है भाई, मज़ा आ गया यार। तो भाई अब जो है ना नागौरी हलवा जो है इसको ट्राई करते हैं। इसका तरीका ये है भाई कि इसको ऐसे आप कर लो गोलगप्पे की तरह, और इसमें डाल लो आप बढ़िया से जो है ना ये हलवा, थोड़ा सा हलवा डालते हैं और साथ में डाल लो जी सब्जी, थोड़ी सी डालते हैं जी ये सब्जी। तो भाई टेस्ट करते हैं जी, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल फ्लेवर है यार, मतलब मीठा भी आ रहा है, खट्टा भी आ रहा है, मसालेदार भी है, क्रिस्पीनेस भी आ रही है, सब कुछ है इसके अंदर, बहुत सारे फ्लेवर है यार, मज़ा आ गया इसको खा के। तो भाई बहुत बढ़िया है। और ये जो है भाई 50 रुपये में आपको जो है ना 4 नगोरी, सूजी का हलवा, आलू की सब्जी, तो मुझे लगता है भाई प्राइस तो रिजनेबल है, सही है। तो भाई हमने टेस्ट कर लिया है यार, बहुत ही कमाल का टेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई अल्टीमेट स्वाद है यार। मतलब अगर चांदनी चौक आ रहे हैं ना और भूख लगी है तो भाई एक बार यहाँ पे आके ट्राई जरूर करके देखना, जलेबी वाला बहुत फेमस है चांदनी चौक में, एंड अंदर एंटर करते ही इनकी शॉप आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने एक बार टेस्ट कर लेना तो आपकी जो है ये हर बार की जगह जो है फिक्स हो जाएगी। हमने तो खा लिया है, घर भी लेके जा रहे हैं, पैक भी करवाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।